कल एक किसान आंदोलन के खिलाफ बोलने वाले एक जांबाज सिपाही ने जिस तरह से उत्तर दिया है, मैं उसको धन्यवाद दूंगा। हो सकती है सस्पेंड हो जाए, बर्खास्त हो जाए, लेकिन शहीद आजम भगत सिंह ने तो अपनी फांसी भी चुनी। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। नीतियाँ जो आम आवाम के खिलाफ है और बड़ी बड़ी कंपनी और भ्रष्ट नेताओं के पक्ष में है, उसके खिलाफ जो आंदोलन है निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। और जिस विश्वास मत के माध्यम से देखे संसद में भेजा है, उन तमाम सीकर संसद क्षेत्रीय मतदाताओं को विश्वास दिलाता हूँ कि आपके विश्वास पे खरा उतरने के लिए सड़क से संसद तक आपकी समस्याओं के समाधान की कोशिश करूँगा। और सरकार नहीं मानी तो जिस तरह से पहले आपका साथ लेकर सरकारों को झुकाकर जनता को जीत दिलाने का काम किया है, मैं समझता हूँ उसमें खरा उतरने का काम अमदारा निश्चित रूप से करेगा। जिस तरह से 20 साल राजस्थान की विधानसभा में पूरे राजस्थान की आवाज़ बढ़ के रहे हैं, अभी इस आने वाले 5 साल में पूरे देश के आम आवाम के खिलाफ इस कुशासन में जो कानून बने हैं, चाहे वो किसान के खिलाफ, मजदूर के खिलाफ, जवान के खिलाफ, अग्निवीर हो, मजदूर संहिताएँ हो, किसानों के खिलाफ काले कानून हो, कानून तो वापस कर दिए लेकिन MSP आज भी बकाया है। जो तो लिख करके दी थी 9 दिसंबर 2021 को, आज भी 2.5 साल में सरकार ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। ये बात ज़रूर है, इसका जो किसान ऐतिहासिक आंदोलन हुआ, हमारी बेटियां जो पहलवान थी उनको जिस तरह से गोल्ड मेडल लेके इस देश का नाम रोशन किया था, उनको जिस तरह से बेइज्जत करने का काम किया, और मैं धन्यवाद दूंगा कल एक किसान आंदोलन के खिलाफ बोलने वाले एक जांबाज सिपाही ने जिस तरह से उत्तर दिया है, मैं उसको धन्यवाद दूंगा। हो सकती है सस्पेंड हो जाए, बर्खास्त हो जाए, लेकिन शहीद आजम भगत सिंह ने तो अपनी फांसी भी चुनी थी। इसलिए अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों को सजा मिल सकती है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। इसलिए तय रूप से नीतियां जो आम आवाम के खिलाफ है और बड़ी बड़ी कंपनी और भ्रष्ट नेताओं के पक्ष में है, उसके खिलाफ जो आंदोलन है निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। और ये जो आर्थिक असमानता और सामाजिक शोषण है जाति और धर्म के नाम से, इसको मिटाने में, इसके संघर्ष को आगे ले जाने में कामयाब होंगे। मैं पुनः उन तमाम जिन्होंने तन से, मन से, धन से, आत्मा से सहयोग करके इस विजय दिलाने का काम किया है, उनके खरा उतरने का काम करूँगा। पुनः मैं छात्रावास का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।